બ્રાહ્મણો માટે કે આપણે કંઈક જુવાન છોકરાઓ કે નાના છોકરાઓથી કંઈક શરૂ થાય, આપણે હમણાં ધ્યેજી આ બધું સિદ્ધિઓ અને ભક્તિ આ અવસ્થામાં કરીએ પહેલાં. કારણ કે અત્યારે બ્રાહ્મણોમાં લવ મેરેજ વાળું વધી ગયું છે, વર્ણાશંકર પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થવા માટે. જી જી, એટલે એના માટે કંઈક થઈ શકે. सूचना पालन करना ही चाहिए. पहले भी ये बात चली, आगे भी बार बार हम लोग कहते हैं, जिस परंपरा में हमने आगे भी कहा कि सनातनी परंपरा में, सनातन धर्म में जो वर्णाश्रम को मानता है वही सनातनी है, ऐसी हमारे व्याख्या भी की गई है. जहां तक बात है कि लोप हो रहा है, अभी आपको शायद पता होगा भारत सरकार ने बीच में मारा जी कुत्ते की एक जाति लुप्त हो रही है, 6 कुत्ते बचे हैं और एक भी कुतिया नहीं है, तो उसके लिए 80 करोड़ का बजट दिया है कि विश्व में से कहीं इस जाति की कुतिया को लाया जाए और इस बीज को रखा जाए. अब कुत्तों के बीज की चिंता है, मनुष्य के बीज की, मनुष्य के नहीं. ये स्थिति है हमारी कि कुत्ता लुप्त ना हो जाए. एक डायनासोर लुप्त हो गई प्रजा, उसकी चिंता पढ़ते हैं पूरे विज्ञान में, हमको पढ़ाया जाता है भारत में. अमेरिका ने यहां तक कहा कि हम अपने यहां ब्राह्मणों के जो अंश है उसको आयात करना चाहते हैं और यहां पर उसकी उत्पत्ति करना चाहते. आप सोचिए, ये केवल ब्राह्मण की बात नहीं है, कोई भी हो, जीव जंतु हो तो भी उसका वंश चलना चाहिए, वर्णाश्रम की मर्यादा का रक्षण होना ही चाहिए. अगर सभी लोग वर्णाश्रम का पालन नहीं करेंगे तो पूरा धर्म ही लुप्त हो जाएगा, और जब धर्म की मर्यादा नहीं रहेगी तो न राष्ट्र रहेगा. फिर आपको लिए आपके मतलब एक बार तो एक तरफ सरकार कहती है वर्णाश्रम का पालन मत करो, क्योंकि सरकार अगर कोई सवर्ण लड़का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिसे कहते हैं, मैं सरकार की भाषा में बोल रहा हूँ, और वो किसी शूद्र लड़की के साथ शादी करता है तो ये वर्तमान सरकार 7.5 लाख रुपये देती, मतलब वर्ण शंकरता फैलाने का पुरस्कार दिया जाता है. ये परिस्थिति है हमारी, और ऐसी स्थिति में आप कैसे बचोगे? इसलिए वर्ण व्यत्यय न हो, वृत्ति संकरता भी हानिकारक है और वर्ण शंकरता भी हानिकारक है. अगर वर्ण के धर्म लुप्त हो जाएंगे फिर ये जो वेद पढ़ने की बात है, इनका आविष्कार करने की बात है, ये सारी बातें लुप्त होती जाएगी. एक तरफ सरकार वर्णाश्रम को नष्ट करने पर तुली है और दूसरी तरफ यही सरकार कहती है कि आप लोग आरक्षण का पालन करिए, आप लोग इतने नौकरियां हैं तो इसी वर्ग को लिया जाएगा. क्यों? अगर आप गिनती करवाते हो तो जाति के आधार पर करवाते हो, टिकट देते हो तो जाति के आधार पर देते हो. जब टिकट दी जाती है वास्तव में नगर पालिका में दाखला देंगे, बे ब्राह्मण ने, बे क्षत्रिय ने, चार वैश्य ने, त्रण शूद्र ने, के आटली स्त्री ने, अटला अगर नथी तमारा माटे कशु બધા સરખા જ છે તો શું કામ રહ્યું? દેશના રાષ્ટ્રપતિ, હા, દેશ કે રાષ્ટ્રપતિ કો કિસ યોગ્યતા પર રાષ્ટ્રપતિ બનાયા ગયા? કેવલ એક ની યોગ્યતા, વો દલિત, ઇસી યોગ્યતા પર જો યોગ્ય થે આડવાણી જી ઓર મુરલી મનોહર જોશી ઉનકો દરકિનાર કરકે ઇનકો બનાયા ગયા. अब बनाया गया तो वो हमारे राष्ट्रपति है, उसका हम अनादर नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बात है ये हानिकारक है, और इसलिए हम सबको ये चिंता करनी चाहिए कि अपने ही वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करें. प्रेम विवाह का जाल जिस प्रकार से फैलाया जा रहा है, और खासकर फिल्मों में जो हमका हमारे मन में सीरीज आजकल तो चली है, और सब सीरीज और फिल्म यही बता रहे हैं आपको, जहां प्रेम हो जाए घुस जाओ. अब प्रेम कैसे हो गए आपको, कहां घुस गए पता नहीं, और इस प्रकार से वर्ण शंकरता बढ़ती जाती है. ये वर्ण शंकरता को रोकने के लिए वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा आवश्यक. तो आप उस खाते हो कि नहीं? कुत्ता लाना है उसमें भी जात देखते हो, गाय लानी है तो गिर चाहिए, घोड़ा लाना है तो अमुक क्वालिटी का चाहिए, और जवाई लाना है तो कहीं से पर भी कोई जाति नहीं, पुत्र लानी है तो कोई जाति नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए जाति का विचार करना चाहिए, और यह बात यह सिद्धांत अपने संतानों को सिखाना चाहिए. लुप्त पिंडोदक क्रिया अगर वर्णाश्रम विहित
आचार और आचरण हुआ तो लुप्त पिंडो लगन क्रिया श्रद्धादि कर्म का लोप हो जाएगा। क्योंकि अगर उच्च वर्ण वाली स्त्री अगर निम्न वर्ण वाले पुरुष से ब्याह करती है तो प्रतिलोमज यानी प्रतिलोम संतान उत्पन्न होती है और प्रतिलोमज को श्राद्ध में अधिकार नहीं। अनुलोमज तो फिर भी ठीक है, पर जब आपको श्राद्ध में किसी को आमंत्रण देना है तो वह भी अनुलोमज तो नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से ब्राह्मण होना चाहिए। अगर एक बार शादी किसी से कर ली तो सात पीढ़ी के बाद मतलब सात पीढ़ी तक अगर ब्राह्मण किसी अन्य वर्ण की स्त्री से शादी करता है तो उसके बाद जितनी भी पीढ़ियां आती है सभी के सभी पुत्र ब्राह्मण की स्त्री से शादी करें तो सात पीढ़ी बाद बीज शुद्धि होती है। उदाहरण प्रसिद्ध है, लोग बार बार वही उदाहरण देते, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ब्राह्मण कैसे बन गए। पहली बात तो विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए चरु के कारण, चरु बदल दिया, आपने कथा हमने सुनाई थी आपको, चरु बदलने के कारण विश्वामित्र ब्राह्मण चरु से उत्पन्न हुए। दूसरी बात, उन्होंने 60,000 वर्ष तक तप किया। अब 60 दिन तक करके देखो तब क्या होता है, 60 घंटे, हाँ 60 घंटे नहीं होता, 3 घंटे यहाँ बैठ के तप नहीं कर सकते। 60,000 वर्ष तप किया और 60,000 वर्ष तप करने के बाद भी भगवान वशिष्ठ ने कहा आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। जब मना किया और विश्वामित्र को बुरा लगा, वशिष्ठ के 60 पुत्रों को विश्वामित्र ने मार डाला और वशिष्ठ को मारने के लिए रात को गए, चांदनी रात में छुप के पीछे से खड़े रहे कि ये सो जाए तो मार डाले। और तब अरुंधति और वशिष्ठ विचार कर रहे थे, सत्संग चल रहा था दोनों का, पति पत्नी का, और अरुंधति ने कहा कितनी सुंदर चांदनी है, और विश्वामित्र ने कहा चांदनी कितनी भी सुंदर हो लेकिन इस चांदनी से भी सुंदर तो विश्वामित्र का तप है। और जब वशिष्ठ अपने दुश्मन की प्रशंसा कर रहे थे कि इस चांदनी से सुंदर विश्वामित्र का तप है, और विश्वामित्र ने सोचा मैं इसको मारने आया हूं, और हाथ से हथियार छूट गए और दंडवत प्रणाम किए, प्रभु क्षमा करें, मैं इस शरीर से क्षत्रिय बनना चाहता था और आवेग में ये भूल गया कि आप कौन है। वशिष्ठ ने कहा आपके तप का सबने स्वीकार किया है, सभी कहते हैं आप ब्राह्मण के समान हैं, लेकिन समान हैं आप ब्राह्मण नहीं हैं, और इसलिए मैं आपको ब्रह्मर्षि तो नहीं कह सकता, बोले मुझे होना है इसी शरीर से ब्राह्मण होना है। विश्वामित्र के लिए वशिष्ठ ने कहा एक काम करो, चावल और दाल ले आओ, अपने सर पर रखो, खड़े रहो और योग से अग्न्यास्त्र का आवाहन करो। अग्नि का आवाहन किया, विश्वामित्र का पूरा शरीर गलने लगा। वशिष्ठ ने कहा इस खिचड़ी को मुझे खाना है जो तुम्हारे सर पर रखी है, और वो खिचड़ी पककर तैयार हुई और पूरा शरीर भस्मीभूत हो गया, और वशिष्ठ ने मंत्र से फिर से नया शरीर दिया और विश्वामित्र पैदा हुए। फिर से कहा अब तुम ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण बनना हो तो वैसे ही मतलब हर किसी को ब्राह्मण क्यों बनना है, जो है वो क्यों नहीं रहे, जो है वो नहीं रहेगा, सभी डॉक्टर बन जाएगा तो पेशेंट कौन रहेगा, अगर कुत्ता कहेगा मुझे घोड़ा बनना है, घोड़ा कहेगा मुझे चूहा बनना है, क्यों बनना है, लेकिन जो है वही रहे, उसी में उसकी महानता है। मैं शूद्र हूं तो भी शबरी छाती ठोक के कहती है राम मेरे यहां आएंगे, गुरु कहता है राम मेरे मित्र है छाती ठोक कर, द्रोणाचार्य ब्राह्मण होते हुए भी नहीं कह सकते कि कृष्ण मेरे यहां आएंगे, और विदुर शूद्र हुए होते हुए भी कहते हैं भगवान कृष्ण मेरे यहां खाएंगे, ये कब हो सकता है। ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र, मैं जो भी हूं जहां हूं अपने धर्म को नहीं छोड़ेगा। स्वस्व धर्मानुसंधान, अपने अपने धर्म का अनुसंधान करे, और स्वधर्म निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। ठीक है, बात तो बड़ी लंबी है, कथा फिर से शुरू हो जाएगी।